हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग। स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आज हम एक और गाड़ी जो है वो हमारे थ्रू डिलीवर हो रही है और मिस्टर वरुण जी मेरे साथ में फिलहाल हैं। और वरुण सर जो है वो ऑलमोस्ट मेरे भाई जैसे हैं और तकरीबन 3-4 साल मुझे वरुण सर के साथ में हो गए हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि हम जिस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, क्या आगे चल के इसका कितना आउटपुट आप देखते हो यहाँ पे? मैं कहना चाहूँगा कि जितनी, एक तो सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगा विवेक का, जिसके थ्रू मेरे को लीड्स मिलती रहती हैं और जो उनका मैच्योरिटी लेवल है वो एक बहुत हाई होता है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ड्राइव करा के होम विजिट फिक्स करानी होती है और कस्टमर मैच्योर हो जाता है। अभी जो हम कॉन्सेप्ट को लेके काम कर रहे हैं, जो लीड जनरेट करता है विवेक, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत मिलता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लीड्स विवेक के थ्रू आएंगी, उसके अंदर हमारा जो ऑफ़र होगा वो बेस्ट होगा, जो कोई भी बीट नहीं कर पाएगा अभी भी और इन फ्यूचर भी। तो थैंक यू सो मच वरुण सर, आपने इतना सपोर्ट किया। लगभग मेरे ख्याल में 3 साल हो गए हैं वरुण सर के साथ में मुझे, और मेरे को कभी भी परेशानी नहीं हुई रेनो स्पेशली। मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी करी है, क्विड इज़ द मोस्ट सेलिंग कार, अभी ट्राइबर भी आ गई है। तो इन केस एनी ऑफ यू इज़ कंसिडरिंग बाइंग अ क्विड और अ ट्राइबर और अ डस्टर, तो यू कैन जस्ट फिलअप द फॉर्म, नीचे जाके फिलअप कर सकते हो। वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं? वरुण सर को मैं हैंड ओवर करता हूँ। लास्ट में मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, अगर उनका कोई फ्यूचर में प्लान है या कोई रेफरेंस देना चाहें तो विवेक को अपनी इंक्वायरी डायरेक्ट दे सकते हैं और उस गाड़ी की डिलीवरी वो हमारे थ्रू ही होगी और जो उसका डील होगी, जो ऑफर होगा वो बेस्ट होगा। ऑलराइट सर, तो गाइस अभी एंजॉय करते हैं, कुछ ग्राफिक्स देखते हैं, कुछ सिनेमैटिक्स देखते हैं और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानते हैं कि कस्टमर एक्चुअली कितना सेटिस्फाइड है मेरे थ्रू गाड़ी खरीदने में। थैंक यू गाइस। सो मेरे साथ में गाइस अभी फिलहाल है मिस्टर आलोक जी और अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन सर पहली बात तो ये, और मुझे पहला एक्सपीरियंस बताओ आपका कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेनो के साथ में? वंडरफुल एक्सपीरियंस इट वाज। अच्छा, एक्चुअली मैं, दिस इज द माय फर्स्ट कार। पहले मैं सोच रहा था कि पहले मैं मारुति का लूँ, बट बाद में मुझे, मैंने इसके फीचर्स देखे ऑनलाइन वीडियो में देखा, वैल्यू फॉर मनी लगा आपको? बिल्कुल लगा, तभी मैंने इसको परचेज। चलिए गाइस अब मैं एक चीज़ और पूछ लेता हूँ कि सर डील आपको कैसी लगी, आपको ऑफर्स किस तरीके के मिले यहाँ पे, या बेस्ट डील मिली कि नहीं मिली? मेरे हिसाब से तो मुझे बेस्ट डील मिली है, तभी मैं गया हूँ इसके पीछे। अच्छा, और मैंने दूसरी जगह भी कंसल्ट किया था तो वहाँ थोड़े प्राइसेस हायर थे, बट फिर मैंने यहाँ पे कंसल्ट किया तो फिर मुझे यहाँ पे एज वैल्यू फॉर मनी लगा, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। बिल्कुल सर, दोनों से ही मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि वाई यू गाइज ऑप्टेड फॉर क्विड, लाइक और भी यहाँ पर कंपटीशन है, यहाँ पे ऑल्टो आप देखते हो, रेडी को देखते हो, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हो? तो प्रीवियसली आई ओन्ड अ ट्राइबर, सो या तो कंपनी के गुडविल देखते हुए, इसकी टेक्नोलॉजी देखते हुए और जिस तरह का इंजन है, बाकी परफॉर्मेंस और जो बाकी फीडबैक मुझे कार से मिला है उसको देखते हुए फिर मैंने किसी और कंपनी की तरफ जाने के लिए सोचा ही नहीं, फिर मैंने क्विड ही ऑप्शन चूज़ करा अपने लिए, हैचबैक के लिए। ऑल राइट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि सर कितने दिनों में आपको डिलीवरी मिल गई, क्या कोई कैस थी? Within 3 days आई गॉट द डिलीवरी ऑफ दिस कार। विद इन तीन दिनों के अंदर। और आपका फाइनेंस वगैरह कैसा रहा? स्मूथ रहा? स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ। फाइनेंस कराया था आपने? फाइनेंस कराया है मैंने और बिल्कुल स्मूथ रहा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला सर आपको? इंटरेस्ट मैंने तो खैर बैंक से फाइनेंस कराया है। अच्छा ठीक, हाँ मैंने सेल्फ फाइनेंस में खुद। दैट मींस कि 3 दिन के अंदर 3 days कंप्लीट हो गया पूरा प्रोसेस। अच्छा ऑल राइट गाइज, तो कुछ इस तरीके का इन लोग का थोड़ा एक्सपीरियंस रहा। मैं आपके साथ में और भी वीडियोज ऐसे ही शेयर करता रहूँगा, तो इन केस यू आर मिसिंग आउट यू कैन जस्ट फिल अप द फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन, बेस्ट डील्स यहाँ पर आपको गारंटीड मिलेंगी गाइज। थैंक यू। सो गाइज ये जो गाड़ी अभी डिलीवर हुई है ना वो एक रेनो RXT वेरियंट है, RXT ऑप्शनल है एक्चुअली, RXT ऑप्शनल के बाद में क्लाइंबर आती है और कंसिडर यही किया जाता है कि टॉप वेरियंट है इसके बाद, क्योंकि क्लाइंबर आ जाती है। यहाँ पर जो है वो बेसिक्स आप देखोगे कि हेडलाइट यूनिट यहाँ पर दी गई है जो कि दो सेक्शंस में आती है। यहाँ पर आप DRL भी देख पा रहे होंगे, ये DRL मेरे फेवरेट है यार, क्योंकि कम्पैक्ट या एंट्री लेवल हैचबैक में ऐसे फीचर्स एक्चुअली आपको नहीं दिए जाते। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो क्रोम का यूज़ किया गया है एंड ये नई सिग्नेचर्ड रेनो की यहाँ पर आपको जो है वो लोगो नज़र आएगा या फिर ग्रिल नज़र आएगी यहाँ पर कैरेक्टर लाइन्स को जिस तरीके से। और अगर मैं साइड प्रोफाइल पर लेके चलूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं है आपको, यहाँ पर फेंडर पे प्रोटेक्शन दिया गया है, यहाँ पर प्रोटेक्शन मिसिंग है कम्प्लीटली, और ये आप क्रोम का एलिमेंट यहाँ पर दिया गया है। ओआरवी में किसी प्रकार की जो है वो लाइट नहीं दी गई है। काफ़ी बड़ा सा विंडो एरिया बाय द वे इसका आ जाता है। पीछे लेके चलता हूँ, ये टेल लैंप यूनिट जो है वो LEDs ही है और कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन आपको देती है पीछे क्विड की बैजिंग यहाँ पर, और लोगों के अंदर ही जो है वो कैमरा हाइड किया गया है, और यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का आपको देखने को नज़र आएगा। RXT की बैजिंग आप यहाँ पर देखोगे। इंटीरियर से मैं दिखा देता हूँ गाइज आपको, और इंटीरियर्स कुछ इस तरीके का चेकआउट कीजिए।
यहाँ पर जो है वो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नज़र आएगा और बहुत सारे बटन्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, काफ़ी डिसेंटली क्वालिटीड है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टॉप नॉच क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। एंट्री लेवल हैचबैक है, कुछ ऐसी ऐसी फीचर्स जो हैं देखिए यहाँ पर भी दी गई है ताकि अपना कार्ड वगैरह जो है वो यहाँ पर होल्ड कर सके। यहाँ पर बॉटल होल्डर्स वगैरह दिए गए हैं, नीचे ही आप फ्लोर मैट देखेंगे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी प्रेजेंस जो है वो गाड़ी के अंदर दी गई है, इवन स्पेस भी इसमें काफ़ी अच्छी आ जाती है। अगर पीछे वाली सीट्स अगर हम लोग चेकआउट करें तो कुछ ऐसी पीछे वाली सीट्स हैं, ब्लैक एंड रेड का यू है यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, जैसे कि आप स्पोर्ट्स कार में अक्सर देखते हो ब्लैक एंड रेड वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, थ्रेडिंग का यूज़ किया गया। 10,000 रुपये का डिस्काउंट वैसे एंड 4,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट यहाँ पर मिला था, तो ऑल टुगेदर जो है वो एक अच्छी डील यहाँ पर मिली है। इन केस यू आर मिसिंग आउट दीज थिंग्स और आपको नई डील, अच्छी डील चाहिए ना किसी भी कार पे, नीचे जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए और जल्दी ही आपके लिए भी मैं एक बहुत अच्छी डील लेके आऊँगा नई गाड़ियों के ऊपर। मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो के साथ में, अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ गाइज़।